हेलो, नमस्कार। आपके सेकंड ईयर मैथ्स में पेपर टू में हम लोग कर रहे हैं यूनिट वन। यूनिट वन का जो है आपका सेकंड चैप्टर है प्रथम कोटि एवं उच्च घात की अवकल समीकरण, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो है पी के हल होने योग्य समीकरण जो है मैंने आपको हल करवा दिए थे। देखिए किस तरह से था कि हमको जो भी समीकरण दी होती थी वो एक्स वाई पी में होती थी, उसको हम लोग जो है चेंज कर देते थे। कैसे चेंज कर देते थे? पी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन चेंज करती हूँ, फाई एक्स वाई में उसको चेंज कर देते, यानी कि पी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई में चेंज करते थे। फिर उसका हम लोग जो है हल ज्ञात करते थे वो किस में, कि यहाँ पे एफ एक्स वाई सी में जो है उसका हल ज्ञात करते थे। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वाई के लिए हल होने योग्य समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, तीन मेथड है इसमें, पहला पी के लिए, फिर वाई के लिए, और नेक्स्ट उसके बाद आएगा एक्स के लिए। तो वाई के लिए हल होने योग्य समीकरण, हल होने योग्य समीकरण। तो क्या होगा कि आपको जो है इस तरह से फंक्शन दिया हुआ होगा, किसमें, ये एक्स वाई पी में समीकरण दिया होगा। तो आप क्या करोगे कि उसको जो है वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स पी में चेंज कर दोगे, यानी अब इस तरफ कौन से होंगे, या एक्स का पद होगा या तो पी में होगा, और यहाँ पे जो है सिंपली एक वाई ही होगा। फिर उसका हल जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, फिर इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है हमें जो समीकरण मिलेगी, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाय dx, तो जो क्या होता है इज इक्वल टू पी में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो हमको फलन पता है कैसे प्राप्त होगा, हमको एक और नया फलन प्राप्त होगा जिसमें एक्स आएंगे, वाई भी आएगा, और यहाँ पे जो है पी आएगा, लेकिन डीपी अपॉन डीएक्स भी आएगा। देखिए किस तरह से, ये तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ, ये फंक्शन के रूप में बता रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे टफ लग रहा होगा कि पता नहीं मैम क्या बोल रहे, लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, जो कि 10 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब देखिए इसको पी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई में ला ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग श्रीधराचार्य ले तो शायद कर सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वाई इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स। तो ये देखिए इजीली हो जाएगा। कैसे होगा इजी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष जो है आकलन कर लेंगे। तो एक्स की पावर 4, तो क्या जाएगा 4x³ पी स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की पावर 4 को एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अब पी को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पी का भी अवकलन करेंगे। पी का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2p dp/dx, 2p dp/dx, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस, सबसे पहले अगर हम लोग एक्स का करते हैं तो यहाँ पे पी रहेगा, फिर एक्स को एज इट इज रखते हैं, पी का करते हैं तो dp/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पी का भी अवकलन करना है, पी का भी अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स और पी लेके आते हैं। देखिए एक्स पी में फलन हो गया, फिर जो है एक्स के सापेक्ष जो है इसका अवकलन करते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर एक्स की पावर 4 का करते हैं तो 4x³ p² और प्लस, फिर जो है एक्स की पावर 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर का करते हैं तो 2px4, लेकिन साथ में dp/dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dp/dx आ जाएगा। और नेक्स्ट के दो टर्म कौन से हैं, पी एक्स, तो सबसे पहले पी को एज इट इज रखते हैं एक्स का 1, फिर जो है एक्स को ऐसे ही रखते हैं, पी का आ जाएगा dp/dx, dp/dx।
अब जो है लेकिन dy by dx is equal to क्या होता है यहाँ पे p, तो इसको p लिख लेते हैं, p is equal to 4 x cube p square 2p x की पावर 4 dp upon dx minus p minus x dp upon dx। अब p को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस p को इस तरफ लेके आएंगे तो 4x cube प्लस p स्क्वायर और माइनस, देखिए ये p माइनस p और यहां पे भी ये माइनस p हो जाएगा 2p और ये 2p x की पावर 4 dp अपॉन dx और यहां पे x ये हो जाएगा dp अपॉन dx, ठीक है। अब जो है यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसके गुणनखंड करते हैं, इज इक्वल टू जीरो तो लिखें भाई, अब जो है यहां पे इज इक्वल टू आएगा, यहां पे आ जाएगा अब इक्वल टू जीरो। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि यहां पे जो है मैं गुणनखंड कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से गुणनखंड कर रही हूँ कि जिससे जो है हमारा ये इसमें जो है डीपी अपॉन डीएक्स का एक टर्म निकल जाए और एक फैक्टर जो है वो बाहर आ जाए, एक फैक्टर बाहर आ जाए। तो आप क्या करो कि देखो इन दोनों पदों में देखो तो 2p तो बाहर आ जाएगा और x क्यूब भी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे 2 और x क्यूब और p को भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिंपली आपके क्या रह जाएगा 2p और यहाँ पे क्या रह जाएगा x, इसमें x रहेगा और साथ में क्या होगा dp अपॉन dx। अब इन दो पदों में अगर देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, ओनली माइनस वन, तो माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं तो 2p x dp अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। जब भी आप, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जैसे आप इसने इसमें जो है आपने अवकलन कर लिया, आपने dy by dx की जगह पे p रख दिया, p रखने के बाद जो भी समीकरण आएगी ना उसके गुणनखंड आराम से हो जाएंगे, जिसमें एक गुणनखंड में dp अपॉन dx होगा और बाकी में जो है p या x में कोई फलन होगा, ठीक है, p होगा साथ में x का भी कोई फलन होगा। तो देखेंगे कि गुणनखंड करने के बाद जो है ये हमारे इस तरह से आता है कि 2p x, 2p plus x dp upon dx जो है वो फैक्टर बाहर और साथ में यहाँ पे 2x cube p minus 1, 2 x क्यूब पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है कि जिसमें dp upon dx नहीं है ना उस वाले फैक्टर को इग्नोर करना है। हम ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये आपको विचित्र हल देगा, ये वाला जो है ना, ये वाला गुणनखंड जो है वो विचित्र हल देगा। विचित्र हल का क्या होता है कि इस समीकरण से जो है लेना देना होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों चीजें होती है, ठीक है, दी हुई समीकरण से जो है थोड़ा बहुत लेना देना होता है लेकिन नहीं भी होता है, यानी क्यों, क्योंकि विचित्र हल में जो है इसमें उसके हल तो आते हैं लेकिन नहीं भी आते हैं, ऐसी चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को लेंगे, ये 2p plus x dp upon dx, ठीक है, तो यहां पे जो है क्या कर लेंगे कि 2p dx plus x dp is equal to 0। अब जो है x और जो है हम लोग भाग दे देते हैं p से, तो 2 अपॉन x dx प्लस dp अपॉन p इज इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेट कर लो, इसका समाकलन कर लो, तो समाकलन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस log p इज इक्वल टू log c, तो ये हो जाएगा log पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ तो हल तो नहीं आ रहा, फिर से पी आ गया साथ में, फिर से पी आ गया, लेकिन पता है आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे पी में कोई छोटी सी जो है उसका मान आता है, कोई भी छोटा सा मान आता है, उस मान को हम दी हुई समीकरण में रखेंगे, तो इसको मैं लिखूंगी कि दिस इंप्लाइज p is equal to c upon x square,
अब जो है p इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर लिखेंगे कि p का मान दी हुई समीकरण में रखने पर, दी हुई समीकरण में रखने पर, तो y प्लस अब p की वैल्यू क्या है, c अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो यहां से जो है देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा कि y प्लस c अपॉन x इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस सी और सी स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया इसका हल, ये आ गया इस समीकरण का हल। ठीक है, तो देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो है समीकरण जो दी हुई है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद डीवाई बाई डीएक्स को हम लोग पी रखेंगे, पी रखने के बाद जो है उस समीकरण में के जो है गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद जिसमें भी dp अपॉन dx आता है जिस गुणनखंड में, उस गुणनखंड को लेकर उसको हल करेंगे, इंटीग्रेशन की सहायता से उसको हल करेंगे और p का मान लेके आएंगे और उसी p के मान को जो है हम लोग हमारी दी हुई समीकरण में रख देंगे, तो हमें जो है हमारी इस समीकरण का हल जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, इस समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपके यहाँ पे अवकल समीकरण का मेथड। ठीक है, किसके लिए, y के लिए हल होने योग्य समीकरण। ठीक है, y के लिए हल होने योग्य समीकरण। तो चलिए इस जो है एक्सरसाइज में देखेंगे, ये एक ही क्वेश्चन जो है 10 में पूछा गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 15 में पूछा गया था, उसके बाद जो है इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए अदर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अदर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए y इज इक्वल टू, और जब भी ऐसे आप भाई इसको y के लिए हल होगी या ये x के लिए होगी या वे p के लिए होगी, तो समीकरण से भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू कुछ x और p में अगर हमको समीकरण दी हुई है तो उसको जो है हम लोग जो है y के लिए हल होने योग्य समीकरण की विधि से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, विधि से कर सकते हैं। तो यहां पर तो ये जो है आपकी समीकरण कैसी है, y इज इक्वल टू 2px माइनस पी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ठीक है लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1 2p, फिर हो जाएगा 2x और p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dx। ठीक है, dp अपॉन dx और माइनस ये हो जाएगा 2px और माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर का, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और p का हो जाएगा dp अपॉन dx। इसको जो है हम लोग p लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 2p 2x dp अपॉन dx माइनस 2px माइनस एक्स स्क्वायर डीपी अपॉन dx। चलिए ये क्या हो जाएगा 2p माइनस p, यानी सिंपली आ जाएगा आपके p, तो ये हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx माइनस 2px
माइनस एक्स स्क्वायर डीपी अपॉन डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीपी अपॉन डीएक्स। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें से जो है p कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से p कॉमन ले लिया तो p ये 1 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है dp अपॉन dx कॉमन ले लिया तो 2x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा dp इज इक्वल टू जीरो, और dp ये भी है dp अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखिए गुणनखंड जो है किसी भी तरह से देखिए नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, लेकिन इसमें p के और x के फलन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, p प्लस 2x माइनस x स्क्वायर अपान 1 माइनस 2x, और साथ में यहाँ पे dp अपान dx इज इक्वल टू जीरो। तो इस समीकरण को जो है मैं पहले इस तरह से लिख लूं, और उसके बाद जो है ये p फिर अलग अलग लिखूंगी, यानी dx के साथ x का फलन और dp के साथ y का फलन, और प्लस 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x, और यहाँ पे है आपके dp, ठीक है। तो dp अपॉन dx साथ में ले लेते हैं, dp अपॉन p साथ में ले लेते हैं, और इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस 2x ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी के उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जो है ये बदल जाएगा, देखिए इस तरह से। इसको जो है नेगेटिव साइन को जो है आप अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है, अंदर भी ले सकते हैं, किस तरह से कि ये हो जाएगा dp अपॉन p, और यहाँ पे जो है 1 माइनस 2x तो है ही, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x dx। लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगी कि और नेगेटिव साइन बाहर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि इसको जो है आसान हो उस तरह से हल करना है। अगर साथ में ये नेगेटिव साइन बाद में लगा देंगे उसके साथ इस तरह से। अब जो है मैं क्या करूंगी कि इसके जो है पार्शियल फ्रैक्शन करूंगी, ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूंगी। देखिए किस तरह से करते हैं, एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू, इसको मैं लिख सकती हूँ, एक और स्टेप से लिख सकती हूँ कि माइनस में यहाँ पे आगे 2x माइनस 1 तो है ही, और x x माइनस 2, और ये dx, इस तरह से लिख सकती हूँ, एक और स्टेप लिख सकती हूँ। तो इसको ऐसे करेंगे कि a अपान ये हो जाएगा x, और b अपान x माइनस 2। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व करते हैं कि पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो जाएगा x माइनस 2, और b के साथ आ जाएगा x। सबसे पहले जब आप x इज इक्वल टू जीरो रखोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 बाय 2। और जब जो है x इज इक्वल टू 2 रखोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 2। देखने से ही पता चल रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू ये रख लो y, और पहले x इज इक्वल टू जो है 1 बाय 2 रख लो, फिर जो है फिर x इज इक्वल टू जो है 0 रख लो पहले, फिर x इज इक्वल टू 2 रख लो, तो इसमें जो a की वैल्यू 1 बाय 2 और b की वैल्यू 3 बाय 2 आपके आ जाएगी। चलिए अब ये तो आ गया, अब हम लोग अपनी इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं dp के साथ, dp अपॉन dx के सामने जो है हमने जो हल कर लिया है वह लिख लेते हैं। तो अपना जो है dp अपॉन p, और नेगेटिव साइन तो बाहर है ही, और मैंने उसके जो है फ्रैक्शन कर दिए, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पे 3 अपॉन 2, और ये x माइनस 2 और dx, तो 1 बाय 2 को जो है मैं बाहर ले लेती हूँ, 1 बाय x और प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और dx। अब जो है इसका मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसका dp अपॉन dx, तो dp अपॉन p माइनस समाकलन कर लेते ना, क्यों बाद में बार बार लिखना, log p माइनस हाफ बाहर log x प्लस 3 log x माइनस 2 और प्लस
लॉग सी, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, लॉग पी माइनस हाफ, और देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और लॉग एक्स माइनस टू का क्यूब प्लस लॉग सी। सबसे पहले माइनस वन बाय टू हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर लॉग, पहले इसको कर लेते हैं एक्स ब्रैकेट में एक्स, एक्स माइनस टू का क्यूब, ठीक है, एक्स एक्स माइनस टू का क्यूब और प्लस यहाँ पे लॉग सी, ठीक है। आगे तो लॉग पी है ही, तो लॉग पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग में ब्रैकेट में सी, ठीक है। और यहाँ पे जो है पहले मैं सी लिख लेती हूँ, फिर एक बड़ी ब्रैकेट बना देती हूँ जिसके ऊपर जो है पावर कितनी है, माइनस वन बाय टू, तो दोनों तरफ से लॉग निकल जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपके C और ब्रैकेट में X और X माइनस टू का क्यूब और उसकी पावर माइनस हाफ, उसकी पावर जो है माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, क्या यहाँ पे, ये log p इज इक्वल टू यहां पे log, बड़ी सी ब्रैकेट आएगी पहले, और x x माइनस टू का क्यूब और उसके ऊपर पावर जो है माइनस हाफ और log c, ठीक है। फिर से log p इज इक्वल टू log और यहां पे c इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स एक्स माइनस टू का क्यूब और उसके ऊपर पावर कितनी है, माइनस हाफ, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू एक्स और एक्स माइनस टू का क्यूब, ठीक है, और उसके ऊपर जो है पावर कितनी है, माइनस हाफ, ठीक है, पावर कितनी है, माइनस हाफ। चलिए पी की वैल्यू आई, अब हमारी समीकरण में जो है P का मान रखना है, तो लिखेंगे कि दी हुई समीकरण में P का मान रखने पर, दी हुई समीकरण में P का मान रखने पर, समीकरण कौन सी थी, y इज इक्वल टू टू पी एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करती हूं इसमें से जो है यहां पे P को जो है बाहर ले लूं, ठीक है, और इसी P का मान जो है मैं यहां पर रखती हूं, ठीक है। क्वेश्चन अलग था इस वजह से एक्सरसाइज का है, मैंने कहा कि ये करना चाहिए, तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे C, P की वैल्यू क्या है, C इंटू एक्स एक्स माइनस टू का क्यूब पावर माइनस हाफ, तो यहां से जो है मैं क्या कर रही हूं कि x को जो है बाहर ले लूं, तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, आगे c तो है ही, ठीक है, c तो है ही, और ये हो जाएगा x x माइनस टू की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाफ। अब जो है इसको और ज्यादा हल करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि दोनों तरफ से वर्ग कर लेती हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से वर्ग कर लेती हूँ, तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपान यहाँ पे ये क्यूब है ही एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स ही आएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का क्यूब, एक बार एक्स चला जाएगा और दो बार जो है आपके ये 2 माइनस, क्योंकि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करूं या एक्स माइनस टू का स्क्वायर करूं दोनों ही बराबर होते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स अपान ये हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस टू।
तो देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे पी का मान मैंने रखा इसमें और मैं जो है हल लेके आई और ये पी को भी जो है मैंने किस तरह से हल किया, एक एक स्टेप जो है बहुत अच्छी तरह से किया है, ठीक है, एक एक स्टेप अच्छी तरह से किया है। तो यहाँ पे जो है इस तरह के समीकरण जो है यानी कि y के लिए हल होने योग्य समीकरण जो है कैसे हल होते हैं वो मैंने आपको उदाहरण से समझाया, उदाहरण से समझाया। हाँ पूछ।